अंजू के रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज बनाते हैं मटर की मटरी। मटर की मटरी बनाने के लिए मैंने इतना मटर ले लिया है। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है 1 टीस्पून। इसमें मटर डाल के 5 मिनट तक रख देते हैं। जब तक मटर तैयार हो रहा है जब तक मैंने एक बाउल में मैदा ले लिया है। आप जितना भी चाहे मेजरमेंट अपने हिसाब से बना लीजिए। मैंने इतना मैदा लिया है। इसमें मैं 2 से 3 चम्मच बेसन डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक, पिसा हुआ जीरा, अजवाइन, मोयन के लिए तेल। अब इसे डाल के रख देते हैं 2 मिनट तक। मटर को डाले पैन में, 2 मिनट हो चुका है। अब इसे स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, इसे बंद कर देते हैं और मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। दोस्तों मैंने मटर को इस तरह से दरदरा पीस लिया है। इसे भी मैदे में डाल देते हैं। अब इसे एक सरीका करके टाइट आटा इसका गूंथ लेते, टाइट रहना चाहिए इसका आटा। दोस्तों आटा तैयार हो चुका है। अब इसकी छोटी छोटी सी लोई बना लेते हैं। दोस्तों आप इस तरह से इसे बस ऐसे पुश करना है, छोटे छोटे सी लोई को सिर्फ ऐसे, इसे बेलन से नहीं करना है। अब दोस्तों इसमें कट लगा देते हैं इस तरह से चाकू की सहायता से, ताकि इसमें तेल ना भरे। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं धीरे धीरे कर एक एक मटरी डालती हूँ। दोस्तों इसे कड़क होते तक तल लेते हैं। दोस्तों मटरी तैयार हो चुकी है। इसे सर्विंग प्लेट पे निकाल लेते हैं। बाकियों को भी इसी तरह से तल लेते हैं। दोस्तों 2 मिनट तक फ्लेम तेज में रहना चाहिए, उसके बाद इसे लो फ्लेम पे ला देना चाहिए। दोस्तों इसे लो फ्लेम में 5 से 10 मिनट तक तलिए, ताकि ये कड़क हो जाए अच्छी तरीके से। तेज में आप अगर इसे तलेंगे तो ये नरम रहेगी। मटरी तैयार हो चुकी है। अब इसे सर्विंग प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो तैयार है मटर की मटरी। दोस्तों अब इस पे थोड़ा सा ऊपर से जलजीरा डालते हैं, ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए इस तरीके से। दोस्तों आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो दोस्तों मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक